आजमगढ़ झज्जर हो चुके पुलिस चौकी भवन का जन सहयोग से जीर्णोद्धार करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को सधज कर तैयार हुए सिविल लाइन पुलिस चौकी का भवन का लोकार्पण किया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित सिविल लाइन्स पुलिस चौकी का भवन झज्जर हो चुका था। बारिश के दिनों में भवन की छत टपक रही थी, इसकी वजह से भय के माहौल में जहाँ तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, इस बात को नगर के प्रबुद्ध जनों ने संज्ञान में लिया। नगर के एक निजी अस्पताल प्रशासन ने भवन के जीर्णोद्धार कराने की जिम्मेवारी संभाली और जन सहयोग से झज्जर हो चुका पुलिस चौकी भवन सधज कर तैयार हो गया। अप्रैल नवीन स्वरूप में तैयार पुलिस चौकी भवन का पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बुधवार को लोकार्पण किया। इस अवसर पर एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, एसपी रुलूर सिद्धांत, कोतवाली प्रभारी के गुप्ता, सिविल लाइन्स चौकी प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला के साथ नगर के सभावार्थ लोग उपस्थित थे। पूरे जनपद में चेक पोस्ट लगाने का कार्यक्रम चल रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। जो हमारी रहने वाली चौकियां हैं जहाँ पर हमारे कर्मचारी निवास करते हैं और मुख्य जो शहर की चौकियाँ हैं उनके रिनोवेशन का काम चल रहा है, उसी के क्रम में ये सिविल लाइन चौकी का रिनोवेशन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा कराया गया है। उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और धन्यवाद मैं अपने जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं और कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी देखरेख में इस चौकी को का रिनोवेशन कराया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से रह सकें और बेहतर सेवा कर सकें। देखिए, यहाँ की चौकी के जो चौकी इंचार्ज हैं और जो कर्मचारी हैं वो अच्छा काम हमेशा करते रहते हैं और 5000 रुपये की घोषणा मेरे द्वारा जो अच्छा कार्य इनके द्वारा किया गया पूर्व में उसके लिए की गई। सर, अभी कितनी चौकियाँ पड़ी हैं? देखिए, शहर की कुछ चौकियों का रिनोवेशन हो गया, कुछ चौकियाँ अभी रह गई हैं। हम लोग अभी जैसी बात सामने आई रोडवेज चौकी की, उसमें भी कुछ काम होना है। अभी हम लोग रोडवेज चौकी चलेंगे और देखेंगे उसमें जो अगला जो टारगेट है रोडवेज चौकी को ठीक कराना, फिर उसके बाद बलरामपुर चौकी और दूसरी जो चौकियां हैं धीरे धीरे उन्हें सबको ठीक कराएंगे। ठीक सर। मुख्य रूप से किसका योगदान रहा चौकी के रिनोवेशन में? देखिए, बोर्ड पे लिखा है, सामने जो बोर्ड है उस पर लिखा है, बताने की जरूरत नहीं, यहाँ की शख्सियत है और उनके बताए।